हाय दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका दोस्त लकी खान, UK07 लकी जापान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जापान में मंकी पार्क। तो ये है हमारी कार और आज हम जा रहे हैं मंकी पार्क। तो बिल्कुल इस वीडियो और ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपना प्यार दें और दिखाता हूँ मैं आपको मंकी पार्क। बाय बाय। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंकी पार्क की पार्किंग में और आप देख सकते हैं यहाँ कार पार्किंग है, ये पूरा अभी खाली पड़ा हुआ है क्योंकि अभी छुट्टियाँ नहीं हैं, तो अभी थोड़ा खाली पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा है अभी, और अभी हम लोग अंदर एंटर करने वाले हैं। आपको दिखाता हूँ मैं फ्रंट के कैमरे से, ये पूरा पार्किंग एरिया है और अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर। ब्रदर, हेलो, जब इट्स योर बॉय, जब बॉय, और ऑटम स्टार्ट होने लगा है भाई। ऑटम का मतलब यह है यहाँ पे लीफ जो है कलर चेंज करने लगी हैं अपनी, तो इतनी भीड़ भाड़ नहीं है आजकल यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्तियाँ अपना कलर चेंज करने लगी हैं, कुछ पत्तियाँ झड़ने लगी हैं और सामने है टिकट का। आप देख सकते हैं जापान मंकी सेंटर। भाई ये है टिकट घर और यहाँ मशीन से जो है टिकट खरीदना है। आप देख सकते हैं मशीन से टिकट निकालते हुए। सेलेक्ट करना है 2400 रुपये। और ये है मेरा टिकट, यहाँ मैंने टिकट दिया भाई। अरे तो गुसाई मास तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मंकी पार्क में, जो जापान के अंदर मंकी पार्क है। और ये ऊपर लिखा है मंकी जापान मंकी सेंट्रल। दोस्तों ये बना है 1956 में, ये बनाया गया है और 1956 से अभी तक ये चल रहा है। आप देख सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि इसकी जो पूरी वीडियोस हैं आपको पसंद आएंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। आप ये देखिए, पूरा प्लास्टिक से बनाया है, ये जो आप देख रहे हैं पूरा स्टैचू प्लास्टिक से बनाया हुआ है। और मैं इसके अंदर जितने भी तरीके के बंदर हैं जो बाहर से हैं और जो मतलब बाहर के आए हुए बंदर हैं, वो यहाँ पे बहुत बंदर हैं यहाँ पे, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। और बिल्कुल इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा
तो चलते हैं अंदर के रास्ते, लेट्स गो। भाई ये देखो, ये बंदर जो है चिल्ला रहा है, आप देख सकते हैं इस जंगल में जो बंदर है चिल्ला रहा है। भाई जंगले में सारे बंद हैं, ये वाला ये बंदर है जो चिल्ला रहा है, और एक इसके अंदर ये देखो बंदर, देखो भी काले बंदर हैं ये, काले बंदर बिल्कुल गोरेला जैसे हैं, आप देख सकते हैं। भाई आप देख सकते हैं इसकी पूंछ देखो भाई कितनी लंबी है, बहुत ही बड़ी पूंछ है इसकी, और सफ़ेद रंग का काले रंग का बंदर है ये, पता नहीं भाई। भाई एकदम शांत बैठा हुआ है वो, अंदर है शांत बैठा हुआ बंदर है, देखो आपको अभी कैसे दिखाई दिया फेस आपको इसमें। भाई आप देख सकते हैं ये बंदर क्या नस्ल के हैं, क्या ढूंढ रहा है भाई जमीन में, वो देखो डायमंड निकाल रहा है डायमंड। भाई देखो ये क्या ढूंढ रहा है, ये भी कुछ ना कुछ डायमंड सर्चिंग डायमंड।
ये देखो भाई, ये उसके जुआ देख रही है, ये देखो ये कितने सुकून से बैठा हुआ अंदर, इसके हाथ कितने लंबे हैं आप देख सकते हैं, बहुत लंबे हाथ हैं इसके। देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे बंदर हैं और कितने अच्छे से यहाँ पे जो इंतज़ाम किया हुआ है इनको बंद करने के लिए, पूरी तरीके से सीमेंट किया गया है, सीमेंट करने के बाद में रेलिंग से बंद किया गया है जिससे कि ये ऊपर ना चढ़ पाएँ। और जो आप देख रहे हैं इनकी जो दीवारें हैं दोस्तों, ये बड़ी चिकनी हैं, बिल्कुल भी ये इस पर चढ़ ही नहीं पाएंगे। और इनके बीच में एक ठिया बनाया हुआ जिसमें ये बैठे हुए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको फ्रंट के कैमरे से। इतने सारे बंदर हैं यहाँ पर, इनका पानी पीने का इंतज़ाम पूरा किया हुआ है, इधर ये रोलिंग करने के लिए लगाया गया है इन्होंने इसके खेलने के लिए, वो सब बैठे पड़े हैं सामने आप देख सकते हैं, इधर ये एक्सरसाइज करने के लिए है, देखो इनकी, कोई किसी की जूं देख रहा है, कोई सो रहा है, सब अपनी मस्ती में। अरे वो सो रखा है, वो देखो सामने।
भाई देखो पूछ भी काम कर रही है उसके साथ साथ में, जैसे चढ़ रहा है ना अपने उसकी इतने ऐठे माल दे रही है। देखो ये देखो भाई किया है भाई दाढ़ी वाला बंदर, ये देखो वो गया भाग के, ये देखो इसकी भी पूंछ देखो और मुंह देखो इसका, ये चढ़ गया ऊपर दाढ़ी वाला बंदर। भाई अब हम पहुंच चुके हैं गोरेला जहाँ पे है, गोरेला वाले स्पेस में हम पहुंच चुके हैं और वो सामने देखिए ये पूरा गोरेला का बनाया हुआ है, चारों तरफ से कवर किया हुआ है यहाँ से जिससे कि वो बाहर ना निकल पाए, आप देख सकते हैं। और वो सामने बैठा हुआ है एक, आप देख सकते हैं सामने वो बैठा हुआ है। अब मैं इसके अंदर को आप जो अंदर का व्यू वो आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम एंटर कर रहे हैं गोरेला वाले एरिया में, देख सकते हैं यहाँ पे हमने एंटर किया और यहाँ पे फर्स्ट नंबर में वो बैठा हुआ है, देख सकते हैं ये बैठा हुआ है एक बंदर यहाँ पे, उसी की ब्रांड का है जो बाहर में आप सकता है, और वो ऊपर एक झूल रहा है सामने। दोस्तों इनके बारे में ये सब लिखा हुआ है आप देख सकते हैं,
बाद में ये ट्रीज वगैरह बना रखे हैं यहाँ पे, यहाँ से घूम जाना फिर वापस जाना है इसके अंदर आना है। दोस्तों अभी क्या है, छुट्टियाँ नहीं है यहाँ पे, जब हॉलीडेज होते हैं तो बहुत मतलब भीड़ होती है, तो बहुत लोग बाहर से आते हैं उसके अंदर वो बैठे हैं आप। ये पूरा ड्राइंग किया हुआ है इनके बारे में, पिछली बार से मैं यहाँ आया था तो बहुत ही भरा हुआ था ये, लेकिन इस बार बहुत खाली सा है। ये इसकी खोपड़ी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं इस तरह से इसका मुंह होता है, ये इसका कंकाल खोपड़ी, इसका मुंह, ये इसका फेस, इसकी फोटो है ये, और मेरे ख्याल से वो बाहर घूम रहे होंगे, यहाँ से हम बाहर निकले। ये है दोस्तों, यहाँ बाहर निकल के हम जो है यहाँ आए, ये बनाया हुआ है जंगला, और इस जंगले में ये सारे होंगे यहाँ पर मुझे उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार जो था थोड़ा ठंडा मौसम था तो सारे अंदर थे। यहाँ पर लोग देखने आए हुए हैं, बहुत ही कम लोग आए हुए हैं देखने के लिए। देखो मैंने कहा था ना वो बाहर होगा, ये देखो ये बैठा हुआ यहाँ पर, सो रहा ये सोया हुआ है, ये देखो ये सबसे बड़ा वाला सोया हुआ है, ये सबसे बड़ा है, और इसके लिए चटाई बिछा रखी है, चटाई पर सोया हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा है भाई ये। ये देखो सोया हुआ है, मतलब पेट भर के सोया हुआ है इसका, ये देखो उठा थोड़ा सा, उसे मालूम हो चुका है क्यों उसकी वीडियो जो है हम बनाने आए हुए हैं, तो इसलिए वो बैठा हो गया। ये देखो टाट भी साथ ले गया उठा के अपने, ये देखो कितना बड़ा है, शर्मा रहा है भाई, वो फेस फेस नहीं कर पा रहा है, वो शर्मा रहा है, शाई 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 मतलब राजी नहीं है वो फोटो खिंचाने के लिए भाई, ना चला गया वो। और ये देखिए इसके बारे में ये पूरा लिखा हुआ है दोस्तों, इसके बारे में लिखा हुआ है, वो गया देखो इनसाइड में, मतलब वो शर्मा रहा, मतलब वो आड़ में चला गया भाई, उसे फोटो वीडियो खिंचाने ही नहीं है, वो जाके आड़ में बैठ गया। के बाद देखो दोस्तों मैंने छोटे वाले बताए थे, वो छोटे वाले इसके अंदर हैं यहाँ, वो इस जंगले में घूम रहे थे अभी, मतलब जंगले बहुत हैवी बनाए हुए हैं, तारों से पूरा कवर किया हुआ है पूरा एकदम, वो सामने बैठे हुए थे, ये आराम है इधर ये बैठा हुआ देखो, वो भी शर्मा रहा है, वो भी गया उधर, एक वो ऊपर बैठा हुआ है सामने, वो है उधर आगे भाई, वो भाई देखो दोबारा से वो बाहर आ चुका है, और फिर अब सोया हुआ है कितने बढ़िया तरीके से, टाट नीचे बिछा रखी है और पैर ऊपर कर रखे हैं, मस्ती के साथ सोया हुआ है, ये देखो बहुत दूर है मुझसे इसलिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ये ना, आपने कई बार इसको हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, ये सबसे बड़ा है इसमें, और अभी जो है आराम फरमा रहा है भाई। तो दोस्तों ये था वो मंकी सेंट्रल पार्क जो मैंने आपको दिखाया,
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये ब्लॉग आपको यहाँ का अच्छा लगा होगा। तो उनको अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपना प्यार दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जापान के ब्लॉग, जापान की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और हाँ, बेल आइकन